students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy. In previous video यानी पिछले वीडियो में हम लोग जो है थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिए थे, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन टाइम बचा हुआ है, रिवीजन में देख लेते हैं, दो मिनट लगेगा. रिप्रोडक्शन हेल्प्स टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ, यानी हमारी कंटिन्यू जिंदगी के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हमें रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है. क्या प्रजनन? प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रो सीड्स, स्पोर्स, लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स. क्या बोल रहे हैं? प्लांट्स जो बनते किससे होते हैं? बीज से होते हैं, बीजाणु से होते हैं, लीव यानी पत्तों से होते हैं, स्टेम यानी डाली से होते हैं, रूट्स भी होते हैं. सीड कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स. क्या बोल रहे हैं? सीड्स में जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक सीड्स कोट यानी कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, कोटिलेडन है, हमने सब डिटेल में पढ़ लिया है. द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इन सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. हमने जर्मिनेशन भी पढ़ लिया था अच्छी तरह से. द सीड आर डिस्प्रेड डिस्पर्स बाय वाटर, विंड, एनिमल्स एंड बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स. यानी हमने ये भी पढ़ लिया था, बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, ठीक है, सब डिटेल में पढ़ लिया था. क्रॉप्स नीड प्रॉपर नॉरिशमेंट एंड केयर फॉर गुडविल. क्या बोल रहा है? यहाँ पे प्लांट्स को भी अच्छी तरह से हमें देखभाल करनी पड़ती है और यहाँ पे सब खाद वगैरह डालना पड़ता है. नेक्स्ट देखते हैं वाटर में, देखते हैं क्या है, सॉरी यहाँ पे वर्ड एड में देखते हैं क्या है मीनिंग में. जर्मिनेशन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड इनटू अ सीडिंग लिंग. क्या बोल रहा है? जो उसका प्रोसेस होता है उसमें आंखा निकालने का, वो होता है, उसको जर्मिनेशन बोलते हैं. इंसेक्टिसाइड केमिकल यूज टू किल द इंसेक्ट, यानी केमिकल यूज किया जाता है किसको? कीड़े मकोड़े को मारने के लिए. डिस्पर्सल स्कैटरिंग अवे ऑफ द सीड. क्या बोल रहा है कि डिस्पर्सल मतलब ये होता है कि जो बीज होता है उसका एक से दूसरे जगह पे बिखर जाता है, उसके जरिए से एक से दूसरे जगह पे प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है. पेस्ट इंसेक्ट्स दैट डैमेज द क्रॉप, यानी जो है इसको जो है कीड़े मकोड़े को रोकता है फसल को खराब करने से, ठीक है. यील्ड अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस इन एरिया, यानी क्या बोल रहा है ये यील्ड का मतलब क्या होता है? कितनी जो है फसल हमारे खेतों में जो है पैदा हुई उसी को यील्ड बोला जाता है, ठीक है. हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमारा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना प्रैक्टिकल वाला पार्ट, एक्सरसाइज वाला पार्ट कैसे किया जाता है, ठीक है. यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर. हाउ मेनी कोटिलेडन्स डज अ डीकोट सीड हैव. क्या बोला? डीकोट में कितने होते हैं? इसका हो जाएगा बी वाला सही, कितना हो जाएगा? टू. इसको टेक कर लीजिए आप लोग. यहाँ पे देखिए हम इतने कॉपी मतलब लिख दिए हैं सब ऑप्शन वाइज, ए वाले का 1 2 3 4 5 इसके हिसाब से इसमें लिख दिया. हम आपको फोटो भी खींच के भेज सकते हैं इसका, ठीक है. वैसे भी आप लोग वीडियो में देख करके पॉज करके सब एक साथ में लगा सकते हैं, ठीक है. दूसरा द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड इज कॉल्ड. क्या बोलते हैं उसको? डिस्पर्सल बोलते हैं. एक जगह से दूसरी जगह मतलब फैलाना छिटना, क्या बोलते हैं उसको? डिस्पर्सल को टिक कर लीजिए आप. यहाँ भी डिस्पर्सल दिया हुआ, ठीक है. थर्ड वाला क्या दिया है? रोज कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट बाय द हेल्प ऑफ. किसकी वजह से रोज को मतलब लगाया था? हमने बोला था ना अपने स्टेम, यानी उसकी डाल काट करके हम कहीं भी लगा देंगे लग जाएगा. इसको स्टेम ए वाले को टिक कर लीजिए. विच सॉइल इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट. क्या बोल रहा है कि कॉटन की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत सबसे ज़्यादा अच्छी होती है? हमने वहाँ पर बात किया था कौन सी वाली होती है सबसे अच्छी. यहाँ पे देखिए ब्लैक सॉइल दी, ए वाला क्या है? ब्लैक सॉइल लगा लीजिए, ठीक है. फिफ्थ वाला क्या है? रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स मतलब रबी क्रॉप्स ग्रो वेल इन. क्या बोल रहा है? रबी क्रॉप्स जो है सबसे अच्छी किस में होती है, उसकी भी हमने बात कर लिया था कौन सी वाली होती है, किसमें? विंटर में होती है. कौन सा वाला? बी वाले को आप लोग टिक कर लीजिए, विंटर सीजन में होती है रबी क्रॉप. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज अ सीड रिक्वायर टू जर्मिनेट. क्या बोल रहा है? कौन सी कंडीशन चाहिए होती है सीड को जर्मिनेशन करने की? एयर भी चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है, वार्म यानी गर्मी भी चाहिए होती है. उसमें से ऑल ऑफ दिस, डी वाला लगा लीजिए आप लोग, और ऑल ऑफ दिस. इसमें देखिए सेवंथ वाला क्या बोलता है? कैस्टर सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय. क्या बोल रहा है? कैस्टर सीड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है? यहाँ पे देखिए डी वाला क्या है? बस्टिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी जो फ्रूट्स फट जाते हैं उसके बीज निकल के हवा चला जाता है उसके थ्रू हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है. नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे. हाँ, क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है. क्वेश्चन आंसर में देखते हैं क्या दिया हुआ है. हालांकि क्वेश्चन हम आपको जल्दी जल्दी समझा दे रहे हैं वाला, कि इसका हम फोटो खींच के भेज देंगे आप लोगों को, टेंशन ना लीजिएगा. नेक्स्ट देखते हैं बी वाला क्या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सॉरी व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नेसेसरी. क्या बोल रहा है? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्यों जरूरी होता है, ठीक है. यहाँ पे देखते हैं. बिकॉज रिप्रोडक्शन हेल्प्स टू कंटिन्यू लाइफ ऑन द अर्थ. क्या बोल रहा है? हमारी जिंदगी आगे बाकी रहने के लिए यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है. एवरी लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस फॉर देयर एग्जिस्टेंस. क्या बोल रहा है? हर जीवित चीज़ को जो है अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए यहाँ पे धरती पर जो है प्रजनन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है. नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है. हाउ डज अ प्लांट रिप्रोड्यूस. क्या बोल रहा है? ये प्लांट्स जो है कैसे प्रजनन करते हैं, देखते हैं कैसा करता है. डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड. क्या बोल रहा है? अलग अलग मेथड से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. कुछ जो है सीड से प्रजनन होता है. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्स. कुछ जो है उसके बीजाणु से होता है, ठीक है. एंड सम अदर प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स. कुछ जो है ऐसे होते हैं जो मदर प्लांट के जो है बॉडी पार्ट्स से भी प्रोड्यूस होते हैं. देयर मदर प्लांट्स सच एज रूट पार्ट्स ऑफ स्टेम, रूट पार्ट्स ऑफ स्टेम एंड लीफ. क्या बोला? कुछ जो है रूट से होते हैं, कुछ स्टेम से होते हैं, कुछ जो है लीफ से भी उसकी लगाया जाते हैं उसके मदर प्लांट से, ठीक है. ये हो गया हमारा दूसरा वाला. थर्ड देखते हैं क्या है. नेम सम प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस फ्रॉम. क्या बोल रहा है? नेम सम प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस फ्रॉम. क्या बोल रहा है? ए वाला सीड कैसे मतलब प्रोड्यूस होता है, स्पोर्स कैसे होता है, सी वाला रूट्स कैसे होता है, लीफ कैसे होता है. हमने यहाँ पे क्या बोलता है? नेम बोला था ना, हमने यहाँ पे नेम दे दिया है. देखिए यहाँ पे थर्ड वाले का क्या लिख दिया हमने? मैंगो लिख दिया एंड पपाया लिख दिया है. ए वाले का एग्जांपल है. आप लोग आगे ए वाले का नाम लिख करके आगे ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है. बी वाले का क्या लिख लिया? मोसेस एंड फंगीस. इसको भी हमने लिख दिया यहाँ पे बी. सी वाले का क्या हो जाएगा? कैरेट एंड रेडिश. उसमें नाम पूछा था इसलिए हमने नाम ही सिर्फ लिख दिया, ठीक है. डी वाले क्या पूछा है? ब्रायोफाइलम, ये जो लीफ से होता था उसकी बात करें, ब्रायोफाइलम, ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ वाला.
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, यानी सीड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो बताइए। ठीक है, देखिए, अ सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, क्या बोला, सीड के अंदर जो ऊपर क्या होता है, सीड कोट होता है, हमने बात किया था, एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है, एंड कोटिलेडंस होता है। कोटिलेडंस क्या होता है, उसके अंदर फली होती है ना, एक फली वाला या फिर दो फली वाला साइड में उसमें दिखते हैं ना, फट जाता है बीच में से, वो कोटिलेडन कहलाता है, सॉरी दो कहलाता है, और ये सिंगल होता है कुछ कुछ। सीड कोट इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, क्या बोल रहा है, जो सीड कोट होता है उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटर पार्ट सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है किसको, अंदर इनर सॉफ्ट पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉल्ड एम्ब्रियो फ्रॉम विच द सीडलिंग ग्रो, जिसमें से जो है सीडलिंग ग्रो होता है, जिसमें आंखा निकलता है, उसी को बात कर रहे हैं इसमें, एम्ब्रियो के। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, क्या बोल रहा है, व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन क्या होता है, देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं इसको। सीड जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ बाई विच अ सीड ग्रो, क्या बोलता है, जिसमें से एक प्रोसेस होता है जिससे सीड ग्रो होती है, इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ठीक है, उसको जर्मिनेशन बोलता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सीड एब्जॉर्ब वाटर, यानी पानी खींचती है जो बीज होती है, दैट हेल्प्स द सेल, यानी उसकी सेल्स को जो है मतलब हेल्प करती है एम्ब्रियो इन डिवीजन एंड मेक इट द ग्रो इन साइज, यानी कि जो है एम्ब्रियो को जो है मदद करती है सेल्स में अलग अलग जल्दी से उसको ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ और आंसर। ओके, थैंक यू।